टांगे दर्द करती हैं, उसके लिए मेरे भाइयों घोड़ा उस वक्त घोड़ा बनता है जब वो क्या खाता है, चने खाता है। तो मेरे भाइयों टांगे जो दर्द करती हैं, तो दर्द की दवाई ना लिया करो, ऐसी गजाएं खाया करो जिससे ताकत मिले, जिससे ताकत का मैं एक आपको आसान नुस्खा बताता हूं। एक हदीस है ना सहाबा से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताओ पहलवान कौन है, हदीस है पहलवान कौन है, पहलवान कौन है। तो मेरे भाई अगर ताकत लेना चाहते हो तो माफ करना सीखो। ये साइंस ने ना एक रिसर्च की और फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज है, इसको कहते हैं CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसका एक और नाम है CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी। साइंस कहती है जो बंदा सेहतमंद होना चाहता है, ताकतवर होना चाहता है, साइंस कहती है उसे को कि अपने यहां से कोई चीज ना पकड़े। मसलन टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा आपका, क्योंकि छुट्टी है। ये देखो ये क्या है, टिश्यू, इसको हाथ पे रखो, घर जाके तजुर्बा करना। साइंस कहती है वो चीज जिसका वजन नहीं है, जिसका वजन, इसको ऐसे पकड़ के पूरी ताकत में ऐसे रख के कितनी देर तक पकड़ सकते हो, कितनी देर पकड़ सकते हो। साइंस कहती है कोई बंदा 10 से 15 मिनट नहीं पकड़ सकता। क्या होगा कि 5 मिनट के बाद यहां बाजू भारी शुरू हो जाएगी, यहां पे इतना बोझ होगा कि दिल करेगा कि इसको छोड़ दूं। साइंस कहती है जो एक्सटर्नल बॉडी है वो 1% एनर्जी कंज्यूम करती है और जो इंटरनल बॉडी है वो 1000%, यानी इधर 1% लगी अंदर 1000 गुना लगी। मैंने पकड़ा क्या है, एक छोटी सी चीज जिसका वजन। मेरे भाइयों हमारे दिमाग ने भी बहुत सारी बातों को पकड़ लिया। मेरे चाचे ने मैनू ऐ क्या सी, मेरे मामे ने मैनू ऐ क्या सी, मेरे ताए ने मैनू ऐ क्या सी, मेरे ओने मैनू अज भी याद है, 20 साल हो गए उनकी गल मैनू अज भी इत्थे वजदी है। साइंस कहती है हम लोगों के रवैयों को पकड़ लेते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इस्लाम कहता है माफ कर दो, अफू, अफू दरगुजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफू दरगुजर, अफू का मतलब होता है छोड़ देना। क्या मतलब है, साइंस कहती यहां से छोड़ दो, यहां से अगर नहीं छोड़ोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। जितने लोगों को कमजोरी है उसका वल्लाह मैं चैलेंज से कहता हूं उन्होंने यहां पकड़ा हुआ है। किसी ने मां की बात को, किसी ने बाप की बात को, किसी ने भाई की बात को, किसी ने चाचे की बात को, मामे की बात को, पुप्पो की बात को, खाला की बात को, ताए की बात को, हमसाए की बात को, दोस्त की बात को, वल्लाह जो नहीं छोड़ेगा किसका बुरा कर रहा है, और जो माफ कर देगा। इसको समझो, लैलतुल कदर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, खैरुम मिन अल्फी, हजार महीनों से बेहतर है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह के नबी अगर कोई लैलतुल कदर को पा ले तो क्या कहे, वल्लाह यूरोप को समझ, यूरोप आज अपने बच्चों को पता है किस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा है, वो छोटे से बच्चे को कहता है सॉरी करना सीखो। क्या करना सीखो, सॉरी करना सीखो। मतलब क्या सॉरी का, वो कहते हैं गलती किसी की है तुम सॉरी करो। लैलतुल कदर की रात हजार महीनों से बेहतर रहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आयशा जो बंदा इस रात को पाले वो कहे अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फअफुअन। हमने कितनी बातों को पकड़ा हुआ है अल्लाह के वास्ते। ये जितने लोग कहते हैं ना सर दर्द है माफ करके देखो, जितने लोग कहते हैं आधे सर में दर्द है माफ करके देखो, जितने लोग कहते हैं डिप्रेशन है माफ करके देखो, जितने लोग कहते हैं एंजाइटी है माफ करके देखो, जितने लोगों को स्ट्रेस है माफ करके देखो, जितने लोगों को फ्रस्ट्रेशन है माफ करके देखो। माफ करना सीखो, माफ करना किसको पसंद है, साइंस ने इसके ऊपर फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज बना लिया। और उन्होंने कहा हर रोज सुबह दोपहर शाम आपने कहना है मेरे साथ जिसने जो किया, इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अपने बिहेवियर देखो कि दूसरे लोगों के साथ आपने जो किया
उसने जो किया उसको फॉरगिवनेस उसको दे दो, क्या माफी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वल्लाह जितने लोगों के सर में दर्द है ये वो दर्द है जो लोगों को दिया है। साइंस कहती है हर एक्शन का